So my dear students, in this chapter we will do the question answer for chapter 4, holidays in Shimla. This story we have studied for class 5th in English. So let us start question and answer. Here the very first question is, where did Rajat, Mahak and their parents go for their holidays? छुट्टी मनाने के लिए रजत, महक और उनके माता पिता कहाँ गए थे? आंसर है, रजत, महक एंड देयर पेरेंट्स वेंट टू शिमला फॉर देयर हॉलीडेज. शिमला गए थे. क्वेश्चन सेकंड, व्हाई आर द हिल स्टेशंस कोल्ड? हिल स्टेशंस ठंडे क्यों होते हैं? आंसर है, हिल स्टेशंस आर कोल्ड बिकॉज दे आर लोकेटेड सो हाई अबव सी लेवल. वे ठंडे इसलिए हैं क्योंकि समुद्र की सतह से काफ़ी ऊंचे हैं. क्वेश्चन थर्ड हेयर इज, वाई डू पीपल गो टू शिमला? लोग शिमला क्यों जाते हैं? पीपल गो टू शिमला टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए लोग शिमला जाते हैं. There is cold in the summer. वहाँ गर्मी में ठंडी होती है. The air is clean and fresh. वायु ताजी और साफ होती है. The whole area is covered with lovely trees and beautiful flowers. सारे क्षेत्र खूबसूरत पेड़ पौधे और अच्छे फूलों से भरे होते हैं. द इन्वायरमेंट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड प्लीजेंट. वातावरण काफ़ी खूबसूरत और सुहावना होता है. इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. ये स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. यही वजह है कि लोग शिमला जाना चाहते हैं. क्वेश्चन फोर्थ हियर इज, हाउ लॉन्ग डिड रजत, महक एंड देयर पेरेंट्स स्टे एट शिमला? रजत, महक और उनके माता पिता कितने दिनों तक शिमला में रहे? आंसर है, दे स्टेड शिमला फॉर 10 days. वे लोग शिमला में 10 दिनों तक रहे. क्वेश्चन नंबर 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हाट मेड रजत एंड महक हंग्री एट शिमला? रजत और महक को क्या भूखा कर दिया था शिमला में? आंसर है, द कोल्ड एयर एंड लॉन्ग वॉक्स. ठंडी हवा और लंबी दूरी तक पैदल चलना मेड देम हंग्री. उन लोगों को भूखा कर दिया था. नाउ वी विल डू MCQs एंड मेनी मोर. सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है कि आप लोग खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चन का आंसर देने का. जो भी MCQs या फिलर्स है या फिर जो वोकैबुलरीज है, इन सब का पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उससे मैच कराएंगे. ओके, तो उसमें आपका एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा और फिर जो एरर होगी वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा. सो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई. चलिए देखते हैं, वी स्टेड देयर फॉर डैश डेज. कितने दिन तक रहे थे? 10 days. ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी. सेकेंड, इट इज अबाउट डैश मीटर्स अबव द सी लेवल. ऑप्शन नंबर बी, डैट इज 2150 meters. नाउ नेक्स्ट, डिड यू क्लाइम दोज डैश पीक्स? ऑप्शन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. रजत एंड महक वेंट टू डैश विद देयर पेरेंट्स शिमला. वी स्टेड फॉर डैश डेज 10 days. शिमला इज लोकेटेड इन द हिमालय. दोज, देखिए वर्ब मिस प्रिंटेड था, वर्ब बाद में होगा. दोज स्नो पीक्स वर माइल्स अवे फ्रॉम शिमला. वी वोर वार्म डैश क्लोथ्स. वार्म उलेन क्लोथ्स. वी वोर वार्म उलेन क्लोथ्स. नाउ इन ग्रामर पार्ट,
राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अपोजिट लिखना है आपको, जैसे कोल्ड है तो हॉट, डे नाइट, हिल्स प्लेन, हिल्स का मतलब ऊंचा होता है, पहाड़ी होती है, और प्लेन्स मतलब समतल होगा, प्लेन्स लिखना है, एस छूट गया है यहाँ पे, यू हैव टू एड एस, प्लेन्स PLAINS, क्योंकि हिल्स है। नेक्स्ट नैरो, ब्रॉड होगा या वाइड होगा, ओके नैरो का क्या होगा, ब्रॉड BROAD, ब्रॉड या WIDE, वाइड, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। समर विंटर, गुड बैड, थी मतलब मोटा होता है, थीन पतला, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। नाउ कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, SUMMER समर, देखिए एम एंड ई, ये वंडरफुल होना चाहिए जी, WONDERFUL, फिर है यहाँ प्लीजेंट PLEASANT, प्लीजेंट, फिर है रियलाइज RELIZE, रियलाइज मतलब एहसास करना। लोकेटेड LOCATED, लोकेटेड व्यवस्थित, फिर है हंगरी HUNGRY, हंगरी HUNGRY, हंगरी। नेक्स्ट है नाउ राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट शिमला इन योर ओन लैंग्वेज, अपने ही शब्दों में शिमला के बारे में करीब 4 पंक्ति आपको लिखना है, 4 लाइन आपको लिखना है। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे पहला लाइन ये लिखेंगे कि शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी शिमला है। देर आर मेनी हिल्स सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ द हिल्स, शिमला में बहुत सारे हिल्स हैं और इसलिए इसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, मतलब पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट देर आर मेनी मोनूमेंट्स इन शिमला, बहुत सारे स्मारक हैं शिमला में, लाइक जैसे कि टाउन हॉल, हॉटॉन कैस्टल एट्सेट्रा। सो दिस वे वी कंप्लीटेड इट्स क्वेश्चन आंसर्स एज वेल।